हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मेरी चैनल सुमन शर्मा ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत है और मैं आज आप लोग से अपनी एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ करेले की। सभी बनाते होंगे लेकिन मैं थोड़ा आज अलग बनाऊंगी, तो आप लोग को आज पूरे वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। ऐसे आप लोग बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है और सबको पसंद आएगा, खासकर बच्चे जो करेला तो खाते नहीं है, भागते हैं, लेकिन ऐसे आप लोग बनाइएगा, वो थोड़ा भी कड़वा नहीं लगेगा, उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो इस प्रकार की सब्जी मैं आप लोग से आज शेयर करूंगी। और मेरे चैनल पे जो नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके देखा करिए, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं मैं उन लोग को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और देते रहूंगी। और वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए, अगर आप लोग का पास टाइम है तो, नहीं है तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक देखा करिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए, मैं ये बोलूंगी आप लोग से। और ऐसे मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए, और सबको मैं धन्यवाद दे रही हूँ। और अपनी रेसिपी डेली आप लोग को शेयर करते रहूँगी, लेट हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो कुछ नए दिखाते रहूँगी और मैं वैसी रेसिपी दिखाती हूँ जो घर में सबका घर में वो रहता है, और उस चीज़ से मैं आप लोग को रेसिपी शेयर करती हूँ, तो इसलिए वो सब बना सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं दिखाती रहूँगी, अपनी जो बनाती हूँ वैसे करके शेयर करूँगी, और आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए और धन्यवाद। और मैं आज के लिए मैं दिखा रही हूँ, जैसे बनाती हूँ वैसे पूरा शेयर करूँगी आप लोग। ये मेरी थाली है जो इसी में करेले रखी हुई हूँ, इसी की रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी। देखिए अच्छा लग रहा है ना, तो ये मेरी अलग है, बिल्कुल अलग है, तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो मैं इसकी आइए रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग से। करेले ली हुई है, बीच से कट कर ली हुई हूँ, और इसको नमक पानी में मैं करीब 1 घंटा तक रख दूँगी ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। फिर एक कपड़ा है, मैं इसको स्टीम से करूँगी, बॉईल करूँगी, ऐसे पानी में नहीं बॉईल करूँगी, भाप से इसको करूँगी, तो उसे बहुत अच्छा बनता है और इसमें पानी भी नहीं जाता है। तो एक कपड़ा है, मैंने इसको कपड़े में अच्छे से सब करेले को रख दूँगी, और फिर इसको मैं स्टीम से इसको करूँगी, करेले को ऐसे बांध के, और कुकर में स्टैंड रख दी हूँ। ये देखिए पानी है नीचे में, ऊपर से मैं स्टैंड रखी हुई हूँ, फिर मैं इसको स्टीम से करूँगी। ऐसे पानी में बॉईल करने से करेले में पानी आ जाते हैं, तो थोड़ा पानी हो जाता है, तो ऐसे करके बनाने से अच्छा लगता है, उसमें पानी नहीं जाती है और उसका टेस्ट भी अलग आता है। अब मैं इसको 2 सीटी लगा के कर लूँगी, बॉईल कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पूरी, मेरे पूरा फुल बॉईल मैं नहीं की हूँ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा की हूँ, और ऐसे करके बनाने से बहुत अच्छा बनता है। इसमें पानी भी नहीं गया है और स्टीम से पूरा अच्छा से बॉईल भी हो गया है ये। अगर इसको आप ओवन में भी कर सकते हैं, ओवन में भी हो सकता है। अब मैं इसकी पूरी बीज निकाल लूँगी चम्मच की डंडी से, ऐसे करके एक एक सारी बीज निकाल लूँगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, और स्टीम से करेले को ऐसे भापने से पूरा देखिए करेला का रंग भी पूरा हरा हरा ही दिखता है। अब ये अदरक लहसुन है, इसको मैं कूट लूँगी, ये मैं करेले के हिसाब से ली हुई हूँ। देखिए पूरी मैंने बीज निकाल ली हुई है। अब इसमें मैं मसाला तैयार करूँगी, ये प्याज है, करीब 3 है प्याज है, ये हरी मिर्च है, ये भी 3 ही है, मैं इसको बारीक काट ली हूँ, और कोई मसाला मैं भूनूंगी नहीं, ऐसे ही सबको मिक्स करूँगी। अदरक लहसुन कूट ली हूँ, ये आमचूर पाउडर है, इसको मैं करीब 1 चम्मच डालूँगी। ये देखिए मैं 1 चम्मच ली हुई हूँ इसको। अब इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, जीरा पाउडर कुछ मसाले नहीं डालूँगी, खाली धनिया पाउडर डालूँगी, ये छोटा चम्मच है, उसे 2 चम्मच डालूँगी। ये नमक है टेस्ट का हिसाब से, ये मिर्च पाउडर है, ये देगी लाल मिर्च है, तीखी वाली नहीं है, मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, ये करीब 1.5 चम्मच डाली हुई हूँ। ये कसूरी मेथी है, इसे टेस्ट अच्छा आता है, ये भी करीब छोटा चम्मच से 2 चम्मच है, और मैं पूरी अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर दूंगी, बाकी इसमें कुछ नहीं डालूंगी, और ये मसाले को मैं भूनूंगी भी नहीं, इसमें कोई तेल उल नहीं डालूंगी,
और ऐसे आप लोग बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है, बच्चे लोग को तो बहुत पसंद आता है। अब मैं ऐसी पूरी प्याज और वो जो बनाई हुई थी पूरे मैं इसमें अच्छे से भर दूंगी, ऐसे करके सब में पूरी चम्मच का वो डंडी से पूरे अच्छे से इसको भर दूंगी। ये भी बहुत इजी है और जो घर में है उसी से बन रहा है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए करेला बहुत प्रकार का मसाला को भून के भी बनता है, वैसे भी मैं बनाती हूँ और ऐसे भी बनाती हूँ। देखिए सबको मैं भर ली हूँ, अब मैं इसको ऐसे करके पूरी अच्छे से मैं इसको भर ली हूँ। ऐसे एक बार बनाइएगा आप लोग, बहुत अच्छा लगता है खाने में। वो मसाला भून के बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा ही लगता है खाने में। अब मैं ये बेसन ली हुई हूँ, इसको छान लूँगी अच्छे से, ये करीब 3 चम्मच है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर डाल दूंगी, ये देखिए 1 चम्मच है, और मैं इसका घोल तैयार कर लूंगी अच्छे से। ये नमक है वो भी टेस्ट के हिसाब से डाली हूँ। एक काली जीरा है मंगरैल, अरे हल्दी पाउडर, अब सब सबको अच्छे से मैं घोल बना लूंगी। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के और अच्छे से इसका घोल बना लूंगी इसको। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली हुई है, अब मैं इसमें रिफाइन ऑयल डाल के और इसको तल लूंगी। ये देखिए तेल गरम हो चुकी है, मैं अच्छे से इसको इसमें लगा के और इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छा लगता है ऐसे करेले, और थोड़ा भी करेले का कड़वापन नहीं आता है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो अगर आप लोग के घर में बच्चे लोग नहीं खाते होंगे तो ऐसे बना के दीजिएगा। वैसे भी करेला हेल्दी होता है, हफ्ता में तो इसको 1-2 बार तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है करेला और सबको खाना चाहिए। तो ऐसे करके बच्चे लोग को आप लोग खिलाइएगा तो खा भी लेंगे और अच्छा भी रहेगा और हेल्दी होता भी है। तो मैं सबको ऐसे ऐसे करके तल लूँगी, देखिए कुछ इस प्रकार से अब बहुत टेस्टी बनता है ऐसे करके करेला। वैसे भी बनाती हूँ, तो एक बार आप लोग इस मेरी रेसिपी को ऐसे बनाइएगा और बताइएगा कैसे बना हुआ है। ऐसे करके मैं सबको तल लूँगी, बहुत अच्छा लगता है खाने में ऐसे, करेला का थोड़ा भी कड़वापन ऐसे नहीं लग आता है। तो ये मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, देखिए बीच से कट करके जो मैंने भरी हुई थी, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी रेसिपी को आप लोग ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। तो मेरी ये थाली लग चुकी है, चावल दाल करेले रोटी और सैलेड। तो आप लोग भी आ जाइए और मेरी रेसिपी को ऐसे आप लोग बनाइए और कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिएगा।